हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। आज हम बात करेंगे लेवल 2 की, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 को 1x1 सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आरडी शर्मा की बुक परचेज नहीं करी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। इसका क्या मतलब है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको गिवन है, आप देख सकते हैं, है ना, क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा। तो रेशियो आपको गिवन है एक्स, इसका मतलब हो गया कि लेंथ हो जाएगी 2x, ब्रेथ हो जाएगी 3x और हाइट हो जाएगी आपकी 4x, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, रेशियो में आपको गिवन है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट रेशियो में गिवन है, तो रेशियो आपने मान लिया एक्स, तो लेंथ हो गई 2x, ब्रेथ हो गई 3x और हाइट हो जाएगी आपकी 4x। सिंपल। तो देखिए, जब भी आपको रेशियो में गिवन है तो इसका मतलब है लेंथ आपकी 2x है, ब्रेथ आपकी 3x है और हाइट 4x है। तो इसका मतलब है आपको अल्टीमेटली जो वैल्यूज निकालनी है वो आपको लेंथ और ब्रेथ और हाइट ही निकालनी है कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होंगी। जैसे आप लास्ट में देख सकते हैं पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, है ना, तो यही तो पूछा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसके बाद बोला गया है एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद शीट ऑफ पेपर एट द रेट्स ऑफ ₹8 एंड ₹9.50 पर मीटर स्क्वायर इज ₹1248। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूबॉइड है, इसको एक शीट से कवर किया गया है, है ना। मान लीजिए कोई भी शीट है आपकी XYZ, हमको बस यहाँ पर इसको कवर करना है। इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर को हमने एक शीट से कवर कर दिया और यहाँ पर दो रेट आपको गिवन है। पहला रेट है 1 मीटर स्क्वायर का ₹8, ठीक है। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को कवर करते हैं तो उसका एक रेट है ₹8 के हिसाब से और दूसरा रेट क्या गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर का ही ₹9.50 के हिसाब से। और यहाँ पर जो डिफरेंस गिवन है इन दोनों रेट के बीच का, है ना, जो कॉस्ट है ये जो शीट है इसको कवर करने का, वो क्या है आपका ₹1248। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमने टोटल सरफेस एरिया क्यों फाइंड किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेट गिवन है वो 1 मीटर स्क्वायर का गिवन है। दो रेट आपको गिवन है ₹8 और ₹9.50। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कवर करने के लिए जो हमने यहाँ पर शीट यूज की है, ठीक है, तो इसका टोटल कॉस्ट हमको गिवन नहीं है। ओके, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट आपको गिवन नहीं है, बल्कि आपको यहां पर जो गिवन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, यानी कि आपको डिफरेंस गिवन है। तो सिंपली आप फाइंड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है। सिंपली आपको क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यू यहां पर पुट करना है और आपका वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा 52x2। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ₹8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो सिंपली क्या करना है, जब आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो इस रेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और वही चीज मैंने यहां पर की है। हमने टोटल सरफेस एरिया को पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ₹8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आपका ₹416x2। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 52x2 मीटर स्क्वायर। तो अब निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट जब आपका रेट है ₹9.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो सिंपली टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है तो इस रेट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है। तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ₹494x2। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट, राइट। तो एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा पढ़िए। एट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ ₹8 एंड ₹9.50 पर मीटर स्क्वायर इज ₹1248। देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया, तो ₹8 के हिसाब से कितना है आपका ₹416x2 और ₹9.50 के हिसाब से कितना आया ₹494x2। और इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इसका और इसका क्या गिवन है आपको ₹1248। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों,
इसका बहुत सिंपल इक्वेशन बनेगा 494 एक्स स्क्वायर माइनस 416 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1248। देखिए यही तो क्वेश्चन में बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग है ना। तो यहां से हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया दोनों का 8 रुपए के हिसाब से और 9.5 रुपए के हिसाब से, और इनका डिफरेंस जो है वो आपको यहां पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास एक्स का वैल्यू आता है तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट में यहां पर पुट कर देंगे तो आपका सॉल्व होके आ जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 78 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1248। ओके, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 16। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 16 को, और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 का, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू आ चुका है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो ये लेंथ आपका आ जाएगा 8 है ना, यहां पर आप 3 इंटू 4 करेंगे तो ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी 12, और इन द सेम मैनर हाइट के लिए आप 4 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 है ना। तो ये आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, इस तरीके से आपने निकाल लिया। तो यहां पर आपने x का वैल्यू निकाल लिया है, तो x का वैल्यू निकालने के बाद सिंपली आप यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा है ना 8, 12 और 16। एंड यू विल राइट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इन मीटर, सो यू कैन राइट 8 मीटर, 12 मीटर एंड 16 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ रुपीज 1.35 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 340.20 एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 91.80 फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम, यानी कि उस रूम की जो वॉल्स हैं, वॉल्स कितनी होती हैं, 4, तो उनको बनाने का जो टोटल कॉस्ट है ना, और लेंथ यहां पर गिवन है, लेंथ कितना है वॉल का 12 मीटर। तो देखिए यहां पर रेट भी गिवन है, रुपीज 1.35 इज पर मीटर स्क्वायर है ना, और टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है 340.20 रुपए। इसके बाद बोला गया है एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 91.80। देखिए इसका मतलब क्या है, मैटिंग यानी चटाई, पूरे फ्लोर पर जो नीचे जमीन है ठीक है, उस पर चटाई बिछाने का जो रेट है कितना है 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर है, और टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है रुपीज 91.80 पैसा। इसके बाद फाइनली आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, यानी कि इस रूम की हाइट आपको फाइंड करनी है, जिसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि h इसकी हाइट है। ओके, यहाँ पर इन सभी बातों को हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द रूम इज गिवन 12 मीटर। इसके बाद हम हाइट को लेट कर लेते हैं कि हाइट होगी आपकी h मीटर, और बात करें वॉल्स के एरिया की तो इसका मतलब है जब वॉल्स के बारे में बात की गई है तो आपकी 4 वॉल्स होंगी रूम की, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है, आपकी 4 वॉल्स है तो उसका एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रेट गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पर जो एरिया होता है अगर एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास निकल के आ जाता है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ और यहाँ पर आपका लिख देंगे टोटल कॉस्ट। तो सिंपली यहाँ पर आपका ना तो ब्रेथ निकलेगा और ना ही आपका हाइट निकलेगा, तो सिंपली आपकी ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम निकालेंगे जो फ्लोर वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है वहां से, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की, कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर है ना। तो लेट से कि ये आपका रूम है और ये आपका फ्लोर है, जो बॉटम वाला पोर्शन है ये आपका फ्लोर है, और यहां पर हमने चटाई को बिछा दिया है और रेट आपको गिवन है 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी गिवन है आपको रुपीज 91.80। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, एल इंटू बी, जो फ्लोर है फ्लोर का जो एरिया होगा एल इंटू बी होगा। तो लेंथ यहां पर 12 मीटर गिवन है और ब्रेथ आपको निकालनी है। ओके, उसके बाद हम हाइट निकालेंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए एल इंटू बी आपका एरिया है फ्लोर का, और जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे, रेट आपको गिवन है और टोटल कॉस्ट भी गिवन है,
तो सिंपली आप क्या करोगे, जो रेट है उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके इक्वल रखोगे आप टोटल कॉस्ट को। तो यहाँ पर रेट आपको 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर गिवन है, तो सिंपली आप रेट को यहाँ पर लिखोगे 0.85, ओके, क्योंकि रुपीज में गिवन नहीं है। रुपीज में जैसे ऊपर गिवन था 1.35 के हिसाब से, तो आपने 1.35 लिखा, तो यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात की गई है, तो आप लिखोगे 0.85। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, इस एल का वैल्यू आप रख दोगे 12 मीटर है ना, लेंथ आपको गिवन है, तो बी आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से बी आपका आ जाएगा 9 मीटर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है, वो आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है और वहां से आप निकाल लेंगे एच का वैल्यू, है ना, यही तो आपको निकालना है, हाइट ऑफ द रूम। तो रूम का हाइट आपका आसानी से निकल जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, बी का वैल्यू 9 मीटर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 थी आपकी 12 प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 126, है ना, यही तो थी। तो यहां से आपने h का वैल्यू फाइंड कर लिया, सॉल्व कर लेंगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द रूम एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए हॉल आर इन द रेशियो 4:3 एंड इट्स हाइट इज 5.5 मीटर। तो देखिए यहां पर आपको हाइट गिवन है, ये आपका एक हॉल है, ठीक है, हाइट गिवन है 5.5 मीटर, लेकिन लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं गिवन। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो है, मान लेंगे कि वो आपका x है, तो लेंथ आपका हो जाएगा 4x और ब्रेथ हो जाएगा 3x। आगे समझते हैं क्या बोला गया है। द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज एट रुपीज 6.60 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 5082, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर रेशो गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो रेशो में एक्स आ रहा है, तो आपको वही चीजें निकालनी है। तो लेंथ आपको 4x और ब्रेथ आपका 3x हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको अल्टीमेटली लेंथ और ब्रेथ ही आपको फाइंड करनी है। तो इसका सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 में ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन। देखिए जब भी आपको रेट गिवन होगा और टोटल कॉस्ट गिवन होगी और स्पेशली बात की गई होगी सिर्फ 4 वॉल्स की, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज इसके बारे में बोला गया है, तो इसका मतलब है जब डेकोरेट किया गया है तो डोर्स और विंडोज को भी किया गया है, तो उसको आप एक वॉल की तरह ही कंसिडर करके लोगे, है ना, सेपरेटली आप डोर और विंडोज के बारे में नहीं सोचोगे। तो सिंपली आपको 4 वॉल्स के बारे में सोचना है कि उसका एरिया क्या होता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 में एरिया यूज किया था, आई होप आपको याद होगा, 2 × L + B × H, ओके, दिस वॉज द एरिया फॉर द 4 वॉल्स और रेट आपको गिवन है, रेट कितना है 6.60, ओके, और टोटल कॉस्ट है आप देख सकते हैं रुपीज 5082, है ना। तो सिंपली आप इस इक्वेशन के अंदर लेंथ का वैल्यू रखेंगे 4x, ब्रेथ का वैल्यू रखेंगे 3x और एच का वैल्यू रखेंगे 5.5 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3x इंटू 5.5 इंटू 6.60 इज इक्वल टू 5082। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 5082, ठीक है, और ये जो बाकी जो वैल्यूज हैं ये नीचे आ जाएंगी, ठीक है, 5082 के, दैट मीन्स 5.5 इंटू 6.60 इंटू 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं, x का वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा 10। तो जैसे ही आपका x का वैल्यू निकल जाता है, उसके बाद आप लेंथ और ब्रेथ में सिंपली यहां पर x का वैल्यू आपको पुट करना है। तो यहां पर हम रख देंगे 4 × 10, दैट मीन्स 40 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रूम। और बात करते हैं ब्रेथ की, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10, दैट मीन्स 30 मीटर, है ना, यही तो आंसर होगा आपका। तो आपने देखा कितना आसान है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो स्टेटमेंट को आप पहले समझो कि क्या बोला गया है, है ना, उसको एक बार हिंदी में समझ लो कि हाँ उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि उसका क्या मीनिंग है,
उसके बाद आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चालू कर दो। तो जैसी आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर रूम के बारे में बोला गया था और स्पेशली फोर वॉल्स के बारे में, और रेट भी गिवन था और टोटल कॉस्ट भी गिवन थी। तो सिंपली आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा, फोर वॉल्स इंटू रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन, आपको ये गिवन है। तो यहां से आपका x का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू जैसे आता है तो वैसे ही आप लेंथ और ब्रेड्थ भी आसानी से निकाल पाएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो चलिए एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ वुडन बुकशेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशंस एज फॉलोस, हाइट यहां पर गिवन है 110 सेंटीमीटर, डेप्थ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 85 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक करेक्शन आपको करना है, जो हाइट है वो आपकी 110 सेंटीमीटर ही रहेगी, ओके ये करेक्ट है आपकी। और यहाँ पर जो लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है आपको ब्रेथ 85 सेंटीमीटर विच इज एक्चुअली योर लेंथ, तो लेंथ आपकी यहाँ पर 85 सेंटीमीटर है और जो डेप्थ है आपकी 25 सेंटीमीटर, एक्चुअली दिस इज योर ब्रेथ, ओके ये जो चौड़ाई है ये आपकी 25 सेंटीमीटर है। तो इन सभी वैल्यूज को आप एक बार करेक्ट कर लें, क्योंकि यही लेंथ और ब्रेथ आपकी फिगर में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये एक वुडन बुक शेल्फ है जिसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों आपको गिवन है। इसके बाद बोला गया है द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो आपकी बुक शेल्फ है इसकी जो थिकनेस है हर जगह कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहां पर ये जो थिकनेस है कितनी है, 5 सेंटीमीटर की थिकनेस है, यहां पर भी ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर भी हर जगह जो थिकनेस होगी, पीछे भी जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं ये जो थिकनेस है ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है, ओके यहां पर भी होगी, आप देख सकते हैं ये जो थिकनेस है ये आपकी हर जगह 5 सेंटीमीटर की है। इसके बाद समझते हैं द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड द इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। इसका मतलब है एक्सटर्नल फेसेस यानी कि जो बाहर का एरिया है उसको पॉलिश करना है, और जो इनर का फेस है यानी कि जो अंदर वाला एरिया है ठीक है इसको पेंट करना है। तो यहाँ पर आपको रेट भी गिवन है, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जब आपको बाहर पॉलिश करना है तो उसका रेट होगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 पैसे, और साथ में पेंट करने का भी रेट गिवन है, द रेट ऑफ पेंटिंग इज 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आपको अंदर की तरफ पेंट करना है तो इसका कितना रेट है, 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बोला गया है फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ द बुक शेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब है आपको टोटल खर्चा निकालना है, जो बाहर से हमें इसको पॉलिश करना है और अंदर से पेंट करना है, तो रेट आपको यहाँ पर गिवन है ना, तो टोटल खर्चा हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन शेल्फ है ना, पहला वाला आपका ये वाला है ऊपर की तरफ, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, तो तीनों ही शेल्फ आपकी ओपन है, आप देख सकते हैं ठीक है, दिस बिकम्स योर क्यूबॉइड बट लेकिन ओपन है ना, यहां से भी ओपन है, दूसरा वाला भी ओपन है और तीसरा वाला भी ओपन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन सभी शेल्फ की जो लेंथ होगी वो आपकी बराबर होगी, इसकी एल होगी तो इसकी भी एल होगी और इसकी भी एल होगी, और हाइट की बात करें तो इसकी भी आपकी एच होगी, इसकी भी एच होगी और इसकी भी थर्ड वाली शेल्फ की भी एच होगी, है ना। तो इस फिगर को देखकर आप यहां पर कह सकते हैं फ्रॉम फिगर लेंथ एंड हाइट ऑफ ऑल ओपन पोर्शंस आर सेम। जैसा कि आप जानते हैं ये तीन आपकी शेल्फ हैं, तो आपकी लेंथ सेम है, हाइट सेम है, तो इसी बात को हमने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद आप कह सकते हैं लेट लेंथ ऑफ ओपन पोर्शन बी एल, है ना, लेंथ को हमने मान लिया एल और हाइट को हमने मान लिया एच। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसा आप जानते हैं कि जो थिकनेस है प्लैंक की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना, ये जो थिकनेस है मैंने आपको बताया था ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे, जो सबसे पहला स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप क्या करेंगे इस h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर जो टोटल हाइट है वो आपकी गिवन है 110 सेंटीमीटर, है ना, ये जो टोटल हाइट है। और यहां पर हम देखें ये जो टोटल हाइट है ये कैसे कैसे बनती है आपकी, यहां पर तीन h है आपके, है ना, तीन बार लिखा गया है, और साथ में ये जो थिकनेस है आप देख सकते हैं ये जो थिकनेस है यहां पर 5 सेंटीमीटर की यहां पर है, 5 सेंटीमीटर की यहां पर है, 5 सेंटीमीटर की यहां पर है और 5 सेंटीमीटर की यहां पर है। तो चार बार आपकी थिकनेस गिवन है और तीन बार आपकी हाइट है एच 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 करके, तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइट ऑफ ओपन पोर्शन, है ना, यहां से हम इसको लिख सकते हैं एच, इसको हमने एच ही तो माना है, तो आप यहां पर लिख देंगे
थ्री इंटू एच प्लस फोर इंटू थिकनेस ऑफ प्लैंक। तो थिकनेस भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 बार थिकनेस लेनी है, है ना। आप देख सकते हैं मैंने बताया था आपको अभी, एक तो ये वाली थिकनेस, दूसरी ये वाली इन दो एच के बीच में, और एक आपकी थिकनेस इनके बीच में, और एक लास्ट वाली, है ना। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है 20 सेंटीमीटर की तो आपकी थिकनेस ही आ गई। तो इस बात को आप यहाँ पर लिख देंगे 4 into थिकनेस ऑफ प्लैंक, सो दैट मीन दिस इज 5, तो आप यहां से लिख देंगे 3h प्लस 20, और हाइट आपको गिवन है, है ना 110। सिंपली आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो h का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, h का वैल्यू आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ओके, तो h का वैल्यू फाइनली आपको मिल चुका है। ओके, इसके बाद निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ द बुक शेल्फ। ये जो l है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टोटल लेंथ है वो गिवन है आपको 85 सेंटीमीटर, तो 85 हम यहां पर लिख लेंगे 85, ठीक है। लेंथ हमने माना था L, तो आप L लिख लेंगे प्लस 2 इंटू थिकनेस। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, आप देख सकते हैं ये जो L है इसके बाद 5 सेंटीमीटर का आपका थिकनेस है, और 5 सेंटीमीटर का थिकनेस इधर भी है, तो दोनों तरफ है, हर जगह आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां भी है आपका 5 सेंटीमीटर का थिकनेस, और यहां पर भी है आपका, ओके, यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे L प्लस 2 इंटू 5, तो यहां से L का वैल्यू आपका आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगा। ओके, और हमने H का वैल्यू निकाला था 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, L की भी और H की भी। जो अंदर वाला L और H है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, बिना कैलकुलेशन के आप H का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको टोटल हाइट गिवन है 110 सेंटीमीटर, है ना, और यहाँ पर जो थिकनेस है आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस आपकी आती है 4 बार, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये बन जाती है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस है टोटल, इसको आप यहां से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए टोटल हाइट में से, तो 110 माइनस 20 ये आपका बन जाता है 90, है ना। और 3 बार आपका h है, तो सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाता है 30 सेंटीमीटर। तो दैट मींस ये आपका सेम होना चाहिए, सेम हाइट है, और यहां पर आप देख सकते हैं h का वैल्यू सेम ही आने वाला है 30 सेंटीमीटर। तो जो भी h है आपका 30 सेंटीमीटर का होगा। तो आपने देखा बिना कैलकुलेशन के मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया कि h की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं l का वैल्यू क्या होगा। जब आपको टोटल लेंथ मालूम है 85 सेंटीमीटर, है ना, तो दोनों तरफ आपकी थिकनेस है 5-5 सेंटीमीटर की, तो टोटल थिकनेस होगी आपकी 10 सेंटीमीटर की। तो भाई l का वैल्यू क्या होगा, आप इस 10 को माइनस कर दोगे, 5 प्लस 5, है ना, दोनों तरफ है, तो 85 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने यही तो किया यहाँ पर, है ना। इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन के वे में यहाँ पर आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, है ना, अदरवाइज तो ये बहुत आसान है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं एरिया टू बी पॉलिश, यानी कि कितना एरिया आपको पॉलिश करना है। तो टोटल एरिया हम निकाल लेंगे, तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका टोटल सरफेस एरिया है एक्सटर्नली, है ना, इसमें से किसको माइनस करोगे, जो अंदर वाला एरिया है ओपन वाला। तो ओपन वाले एरिया के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि 3 एरियाज हैं आपके, पहला वाला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला, तो ये आपको एरियाज माइनस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, -3 into एरिया ऑफ ओपन पोर्शन। तो ये जो आपका ये वाला एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल बुकशेल्फ, तो सिंपली हमने यहाँ पर क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है एक्सटर्नल बुकशेल्फ के लिए, जो एरिया है आपका, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो जो वैल्यूज हैं आपकी हाइट लेंथ और ब्रेथ की, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। और ये जो एरिया है आपका ओपन पोर्शन का, ये आपका एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लिए जो एरिया होता है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और एल और एच की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो सिंपली आपने यहाँ पर उसका वैल्यू रख दिया 75 into 30। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जो आपको पॉलिश करना है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको निकालना है कि टोटल एक्सपेंस कितना होगा, टोटल खर्चा कितना होगा। तो जब तक आपको जो एरिया है वो नहीं मालूम होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे। और एरिया से पहले आपको जब तक उसकी मेजरमेंट नहीं पता है, यानी कि लेंथ हाइट ब्रेथ, तो जो भी आपको फिगर गिवन है उसमें सबसे पहले आपको निकालना चाहिए लेंथ ब्रेथ और हाइट।
उसके बाद निकलता है आपका एक टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे ही आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है, उसके बाद आप जो भी रेट गिवन है उसे आप मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, व्हाटएवर जो भी आपको गिवन है, उसके बाद आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकाल लेते हैं जो बाहर का एरिया है उसको पॉलिश करने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 cm² इज इक्वल टू 20 पैसे। तो हमने एरिया निकाल लिया था एक्सटर्नल, ठीक है, तो वो आपका आ गया था 21,700 cm². तो अब इसका जो कॉस्ट होगा, ठीक है, एरिया का टोटल, वो कितना होगा? सिंपली ये जो 20 पैसे हैं, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया को, है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पैसे में। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे पैसे को। तो ये आ जाएगा आपका 4,340 रुपीज। तो देखिए, जिस तरीके से हमने बाहर का एरिया निकाला है, उसके बाद जो कॉस्ट गिवन है उसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। उसी तरीके से जो टोटल एरिया होगा अंदर का, वो आपको निकाल लेना है, उसके बाद जो कॉस्ट गिवन है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। पेंट करने की जो कॉस्ट होगी वो निकल के आ जाएगी, और फाइनली ये जो कॉस्ट है आपकी पॉलिश करने वाली और इसके बाद हम निकालेंगे पेंट करने वाली, तो दोनों कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल जाएगा, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड, यानी कि कितना एरिया पेंट करना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, 3 × टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल शेल्फ। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल शेल्फ, यानी कि हमने इस ओपन शेल्फ को भी क्लोज माना है, तो ये क्यूबॉइड पूरा मान के हमने यहाँ पर इसको निकाला है। बस इसमें से हम क्या करेंगे कि जो आपका ये वाला एरिया है ओपन वाला, इसको माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में आपका अंदर का एरिया निकल के आ जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने यहाँ पर लिया, और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपकी 3 शेल्फ है, है ना, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 3 शेल्फ है। तो सिंपली हमने यहाँ पर लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल शेल्फ, जो टोटल होगा, है ना, जो क्यूबॉइड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब आप बी का वैल्यू लेंगे 25 cm, तो 25 cm आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ आपका 5 cm जो थिकनेस है वो आपको नहीं लेना है, है ना। तो ये जो बी का वैल्यू होगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 cm। तो जब आप बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हर जगह, वो हो जाएगा आपका 20 cm। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बी का वैल्यू 25 cm नहीं लिया है, सिर्फ कितना लिया है 20 cm, और जो एरिया है आपका ओपन पोर्शन का वो आपको माइनस कर देना है। तो एरिया कितना है आपका, एल का वैल्यू आपका था 75 और एच का वैल्यू 30, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओपन पोर्शन, है ना, एल इंटू एच, ये आपका क्या था, रेक्टेंगल था, तो ये एरिया आप माइनस कर देंगे, और ये आपके 3 है रेक्टेंगल, तो 3 हमने स्टार्टिंग में ही यूज कर लिया है, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 19,350 cm². तो ये वो एरिया है जो एक्चुअल में पेंट करना है। तो जैसे ही आपका टोटल एरिया टू बी पेंटेड निकल आता है, उसके बाद आपको जो कॉस्ट है वो मालूम है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 cm² इज 10 पैसे। तो इसके बाद जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी इस पर्टिकुलर एरिया को पेंट करने की 19,350 cm², को, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 पैसे से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1,93,500 पैसे। तो सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर लोगे रुपीज में, तो आप 100 से इसको डिवाइड कर दोगे और ये आपका निकल के आ जाएगा 1,935 रुपीज। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकल के आ चुका है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कॉस्ट निकाल ली है पेंटिंग की भी और पॉलिश करने की भी, तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा, दोनों की जो कॉस्ट निकल के आई है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, दोनों को आप सिंपली ऐड कर दोगे, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपकी ये है और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दोनों को हमने ऐड किया, तो ये निकल के आ गया आपका 6,275 रुपीज। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।